फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छा हूँ। और आज दरअसल बात क्या है कि मैं जा रहा हूँ पिनांग के जस्ट टाउन में, जहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है और उससे भेंट मुलाकात करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक जा रहे हैं केएल ट्रिप बाइक से। बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है, तो उसी ट्रिप के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ पिनांग। तो दोस्तों, फिलहाल बज चुकी है शाम की 8 और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाइक चलाने में एक अलग लेवल का मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग बाइकर हो, अगर आप लोग बाइक चलाते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि नाइट में बाइक चलाने के लिए कितना मज़ा आता है, एक अलग मज़ा आता है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पहुँचा हूँ पिनांग ब्रिज के करीब, पिनांग के सेकेंड ब्रिज के करीब, जिसे मलेशिया की सबसे लंबी ब्रिज भी कही जाती है। कुछ देर बाद मैं ब्रिज पर एंट्री करने वाला हूँ। चलो, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। ये है क्या, क्या दिख रहा है यार? ओ नो, पुलिस चेकिंग है यार। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट है। इसकी माँ के क्या करने वाले हैं ये लोग यार, पैसा लेने वाले हैं क्या यार? मेरे पास तो सारी डॉक्यूमेंट है, देखते हैं क्या करता है। Do you do ah camera? I do. You do? Yeah. Ni nak pergi mana? Mau pergi Penang. Penang buat apa? Mau jumpa kawan. Kerja mana? Kita Western Digital. Huh? Western Digital. Duduk rumah? Baldo. Jumpa Amo ya? Bukan. My friend. Meeting my friend. Tomorrow ada got plan lah, mau jalan lain tempat. Oh. Bike riding to Penang to KL. Penang to KL? Ya. Yeah. Jauh. bukan, ada 6 orang. 6 orang. Ya. Yeah. Lokal ni apa? Campur. Campur. Yes, sir. Thank you. Okay. Ini berapa cc? Ini 200. Ya. अरे यार, मुझे तो जहाँ सब भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पुलिस चेकिंग होगी यार। ब्रिज के जस्ट एंट्री पे ही पुलिस चेकिंग था, और वो लोग ऐसी जगह पर था जहाँ से हम लोग वापस जा ही नहीं सकते थे। वन वे था, वहाँ से रिटर्न हो ही नहीं सकता था। कोई भी आता तो पुलिस चेकिंग करके ही जाना पड़ता, वहाँ से रिटर्न हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे पास फुल डॉक्यूमेंट था। और वो लोगों ने मुझसे जस्ट लाइसेंस और पासपोर्ट मांगा और मुझे जाने दिया। और आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर मलेशिया में हो और कहीं बाहर जाते हो तो लाइसेंस पासपोर्ट लेकर जरूर जाना यार। पासपोर्ट कोई भी साथ में लेकर जाना, और अगर बाइक से जाते हो तो लाइसेंस तो ज़रूर लेना, नहीं तो मुश्किल हो सकती है, फाइन लग सकती है, आपकी बाइक भी लेकर जा सकती हो, जा सकता है वो। तो बच के यार फुल डॉक्यूमेंट लेकर निकलना घर से, तो सेफ रहोगे, कोई कुछ नहीं करेगा। जितनी भी रात को कहीं भी जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। और फिलहाल मैं यहाँ पहुँचा हूँ ब्रिज पे। यही ब्रिज है मलेशिया की पिनांग की सेकेंड ब्रिज, जिसे मलेशिया की सबसे लंबी ब्रिज भी कही जाती है। लगभग 28-29 किलोमीटर की ब्रिज है ये। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कुछ देर बाद मैं पिनांग आइलैंड में पहुंचूंगा और वहां से जस्ट टाउन जाऊंगा, वहां पे दोस्त से भेटूंगा, उसके बाद फिर वापस घर आऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट ब्लॉग। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।